दोस्तों कल यानी कि 11 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी दो बड़े सुपरस्टारों की दो बड़ी फिल्में, जहां दोस्तों एक तरफ थी तमिल के सुपरस्टार अजीत कुमार की थुनिवु तो वहीं दूसरी तरफ थी विजय थालापति की वारिसु। और इन दोनों ही फिल्मों को सिनेमाघरों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑडियंस इन फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। और यही वजह है कि इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों वारिसु और थुनिवु इन दोनों ही फिल्मों को आज सिनेमाघरों में दूसरा दिन चल रहा है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों फिल्मों के पहले दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इंडिया में ये फिल्में कितना कितना कलेक्शन कर चुकी है और पूरे वर्ल्ड में ये फिल्में कितनी कमाई कर चुकी है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सुपरस्टार विजय थालापति और अजीत कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें वारिसु फिल्म की, तो वंशी पेड़पल्ली के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें विजय थालापति और रश्मिका मंदाना अहम किरदार में नजर आए थे। वैसे फिल्म की जितनी तारीफें की जाए कम है, ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। यह एक एक्शन ड्रामा फैमिली फिल्म थी, और वैसे फिल्म की जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत रही वो वाकई काबिले तारीफ है, और देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जल्दी सुपर हिट होने वाली है। अगर बात करूं मैं फिल्म के बजट की, तो वारिसु फिल्म का जो बजट है वो लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, और फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो 23 करोड़ 20 लाख रुपए का किया था। जी हां दोस्तों, इंडिया में नेट कलेक्शन 23 करोड़ 20 लाख रुपए फर्स्ट डे का रहा था, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था इंडिया में 27 करोड़ रुपए का, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था अपने पहले दिन का 35 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों अगर बात करूं मैं दूसरे दिन की, तो यानी कि आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 55% की है, तो वारिसु फिल्म आज अपने दूसरे दिन 14 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा रही है, तो वहीं फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 17 करोड़ रुपए रहने वाला है, और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए करने वाली है आज अपने दूसरे दिन। तो अगर मैं बात करूं वारिसु फिल्म के दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 37 करोड़ 20 लाख रुपए दो दिनों में वारिसु फिल्म कर रही है इंडिया से नेट, और वहीं फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 44 करोड़ हो रहा है, और वहीं फिल्म जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है टू डेज का वो हो रहा है 57 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो वारिसु फिल्म अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से शुरुआत की है मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों अगर बात करें यहां पे थुनिवु फिल्म की, तो एच विनोद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें मंजू वारियर और अजीत इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। वैसे फिल्म की तारीफ करनी होगी कि थुनिवु फिल्म ने फर्स्ट डे पर वारिसु फिल्म से भले सी कम कमाई की है, लेकिन यहां पे दूसरे दिन थुनिवु फिल्म के कलेक्शन में हमें कहीं ना कहीं वारिसु फिल्म के मुकाबले उछाल देखने को मिला है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो थुनिवु फिल्म का भी जो बजट था वो लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, तो फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 23 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमाए थे, और फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 27 करोड़ रुपए का, तो वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 35 करोड़ रुपए कमा रही थी। यानी कि जो सेम कलेक्शन वारिसु फिल्म का था इंडिया के अंदर, वो थुनिवु फिल्म का भी सेम कलेक्शन रहा। अब दोस्तों बात करूं मैं दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन थुनिवु फिल्म का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 15 करोड़ रुपए हो रहा है, तो वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहने वाला है, और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 24 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। अब दोस्तों बात करूं मैं दो दिनों के पूरे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो थुनिवु फिल्म का जो दो दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इंडिया में 38 करोड़ रुपए 38 करोड़ नेट हो रहा है इन टू डेज। वहां पे अगर थुनिवु के अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं दो दिनों के, तो वो हो रहा है 45 करोड़, और यहां पे अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो अपने पहले दो दिनों में 58 करोड़ यानी कि 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है फिल्म थुनिवु, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हो चुकी है।